जय हिंद साथियों, आज आपको सेना भर्ती की तैयारी करने वाले दोस्तों की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें भी भर आएंगी। एक दोस्त तिरंगे में लिपटा हुआ अपनी अंतिम यात्रा पूरी करने की तैयारी में था और उसके पास खड़े उसके वो जिगरी दोस्त उन दिनों को याद करके आंसू बहाए जा रहे थे। एक दोस्त रोते हुए पूरी कहानी सुना रहा था। उसने बताया कि हम सभी साथ में सेना भर्ती दौड़ की तैयारी करते थे। फरवरी 2018 में हम सभी एक साथ सेना भर्ती देखने के लिए गए थे, जिसमें मेरे दोस्त सरबजीत का सेना में सिलेक्शन हो गया था और बाकी दोस्तों की किस्मत ने साथ नहीं दिया था। अब जब भी सरबजीत छुट्टी लेकर आता था तो हम लोग यही कहकर मजे लेते थे कि भाई जल्दी से शादी करा ले, हम लोग बारात में चलेंगे। उसने कहा था कि फरवरी माह में आ रहा हूँ, तब लड़की देखने जाऊँगा और फिर इसके बाद तुम सभी दोस्तों को बारात में लेकर चलूँगा। लेकिन हम लोगों को नहीं पता था कि मेरा भाई हम लोगों को ऐसे बारात में लेकर चलेगा जिसमें बिना बुलाए ही हजारों लोग आएंगे और मस्ती की जगह आंसू बहाने पड़ेंगे। यह बातें सरबजीत के दोस्त वैभव सिंह, शुभम सिंह, वेद प्रकाश शर्मा, विशाल तिजारी वह सहज राम साहू आंखों में आंसू ले बयां कर रहे थे। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रिसिया थाना क्षेत्र के सिखनपुरवा गांव में रविवार की सुबह सरबजीत सिंह के अंतिम दर्शन करने का सिलसिला चल रहा था। तभी एक साथ युवाओं का हुजूम आया और आंखों में आंसू लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, सरबजीत भैया अमर रहे अमर रहे, नारे लगा रहे थे। ये युवा नारे लगाते हुए कह रहे थे कि जिस मिट्टी का खाया था उस मिट्टी का कर्ज चुकाना है, जिस मिट्टी का खाया उस मिट्टी का कर्ज चुकाना है, तुम बन जाना डॉक्टर इंजीनियर साहब, हमें तो फौज में जाना है, हमें तो फौज में जाना है। यह बातें कोई और नहीं बल्कि सरबजीत के गांव के दोस्त कह रहे थे। वैभव ने बताया कि हम सभी लोग 2018 में पहली बार फरुखाबाद में भर्ती देखने गए थे। ट्रेन से उतरते समय हम लोग सरबजीत को जगाना भूल गए। जैसे ही ट्रेन चली तो याद आया कि सरबजीत तो ट्रेन में ही सो रहा है, जिस पर हम सब लोग एक साथ जोर से चिल्लाए तो वह उठा और बिना कुछ देर के चलती ट्रेन से कूद गया। जब हम लोगों ने उसे डांटा कि चलती ट्रेन से कूदने की कहाँ जरूरत थी, तो उसने कहा कि सेना में भर्ती होना है, इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हम लोगों को नहीं पता था कि वो इतना बड़ा रिस्क ले लेगा कि दोबारा जिंदा सामने नहीं आएगा। बस गर्व है कि भाई अमर हो गया। परिवारजनों व दोस्तों ने बताया कि सरबजीत को फरवरी में छुट्टी लेकर आना था और वह अपनी शादी के लिए लड़की देखने जाने वाला था, लेकिन सिर पर सहरा बंधने से पहले ही सीने पर तिरंगा लपेट कर वो घर वापस आ गया। वो भी इस तरह कि अब वो हम लोगों के बीच कभी नहीं आ सकता, वह हमेशा याद आएगा। सरबजीत के सबसे करीब दोस्त सहज राम साहू ने बताया कि लगभग एक माह पहले फोन किया था तो वो ड्यूटी पर था, नेटवर्क के कारण बात नहीं हो पा रही थी, तो उसने कहा था कि दोस्त नाराज मत होना भाई, यहाँ नेटवर्क नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही है पूरी, इसलिए अभी फोन रख रहा हूँ, जब वहाँ आऊँगा तो मिलूंगा और तेरे से खूब ढेर सारी बातें भी करूंगा। वो ऐसा वादा करके गया जो अब कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन दोस्त तो वाकई किस्मत वाला है, सेना की वर्दी पाना और फिर तिरंगे में लिपट कर आना, ये हर किसी को नसीब कहाँ होता है। साथियों, सरबजीत जम्मू कश्मीर के राजौरी के एलओसी पर गुरुवार शाम पेट्रोलिंग के दौरान पाकिस्तानी सीमा से हुई फायरिंग में शहीद हो गए। पंजाब रेजिमेंट के जवान सरदार सरबजीत सिंह के पार्थिव शरीर का रविवार दोपहर में राजकीय सम्मान में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, ऐसे योद्धा की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवारजनों पर जो यह दुखों का पहाड़ टूटा है, इस असहनीय दुख को सहन करने की परिजनों को शक्ति प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।